इस वक्त लखनऊ के नए पुलिस कमिश्नर एसपी शिरोडकर को आपको सुनाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे हैं। इस समय किसी स्पेसिफिक बिंदु पे बात करने की बजाय मैं केवल यही कहना चाहूंगा, थैंक यू सो मच। देखिए, लखनऊ पुलिस ने पहले भी सभी चुनौतियों का बहुत अच्छा सामना किया है और मुहर्रम एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो सांप्रदायिक सौहार्द के दृष्टिकोण से सारी व्यवस्थाएं हुई हैं और अच्छी से अच्छी व्यवस्थाओं का हम वहां पर प्रदर्शन करेंगे और त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। पहली प्राथमिकता को लेकर के जब योगी सरकार का जिस दिन शपथ ग्रहण था 25 मार्च को, उस शाम को जो इकाना के बाहर हुआ, फिर उसके बाद से लगातार ट्रैफिक के मिसमैनेजमेंट की शिकायत आ रही है, लखनऊ कानपुर का हाईवे हो या अयोध्या का हाईवे हो, उससे कैसे निपटेंगे, कोई प्लान बना रहे हैं अगले हफ्ते के मैन फोर्स मंगवाएंगे? मैं सहमत हूँ आपसे इस समस्या के बारे में, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा, ट्रैफिक की समस्या को स्टडी करने के लिए कुछ समय दीजिए। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इसका समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। सर, जैसे क्राइम ग्राफ को कम करने तो इसमें क्या कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट द्वारा उठाए जाएंगे? किसके बारे में? लूलू मॉल में जिस तरीके से नमाज पढ़ी गई, मैंने आपसे ब्रीफली कहा था कि सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की जो भी कोशिश करेगा उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। कोशिश ये होगी कि पहले से ही उनके बारे में पता चले और कार्रवाई हो। थोड़ा समय चाहिए, समस्याओं के बारे में आप बहुत विस्तार से, मैंने कहा कि आप जानते हैं, मैं इतनी विस्तार से चीज़ों के बारे में इस समय नहीं जानता हूं क्योंकि मुझे कुछ समय चाहिए होगा जानकारी करने का। समय के साथ उसका अध्ययन किया जाएगा। ट्रैफिक और बाकी जो समस्याएँ हैं उन वो प्रायोरिटी के रूप में उसको देखेंगे। जैसा मैंने आपसे कहा कि पीपल सेंट्रिक पुलिसिंग अगर हमें करनी है तो लोगों को जो दिक्कतें हो रही हैं उन दिक्कतों को पुलिसिंग के माध्यम से कैसे कम किया जा सके और अधिक से अधिक राहत कैसे पहुंचवाई जाए, इस व्यवस्था के माध्यम से इसका पूरा प्रयास किया जाएगा।